नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश ने कांग्रेस ने कर्ज माफी के बाद किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात और दे दी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में हुए इस ऐलान के बाद राजस्थान के किसानों को बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, जिस राज्य में कम मिलती है उसमें तो बढ़ा देंगे, और जिस राज्य में नहीं मिलती उसमें बुजुर्गों की जो पेंशन है वो चालू कर देंगे, जो बुजुर्ग किसान है उनकी पेंशन है वो चालू कर देंगे। तो आपको बता दें, कमलनाथ ने कर्ज माफी के बाद ये बड़ा वादा भी पूरा कर दिया है। उन्होंने बुजुर्ग किसानों को प्रति माह 1,000 पेंशन देने की घोषणा कर दी है। अब राजस्थान के बुजुर्गों को इस शोक का बेसब्री से इंतजार है कि राजस्थान में कब बुजुर्गों की जो बुजुर्ग किसानों की जो पेंशन है वो सरकार 1,000 करके किसानों के चेहरे पर खुशी ला सके। राजस्थान में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें भी साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश में की है वो 1,000 रुपये हैं, अभी चालू नहीं हुई है, लेकिन एक अप्रैल से मध्य प्रदेश में सभी किसान जो बुजुर्ग हैं उनको 1,000 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब हमारे राजस्थान के किसानों को भी बेसब्री से इंतजार है। हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी सरकार किसी प्रकार की सरकार खुशखबरी देगी तो हम बताने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में। अगर ऐसी जानकारियां चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत बहुत